ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद देश लौटे भारतीय चैंपियन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सरकार ने संसद में कहा, इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की काली करतूत, बीजेपी किसान मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। भोपाल विधानसभा में प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन, सीएम शिवराज ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। यूएनएससी की वर्चुअल बैठक में बोले पीएम मोदी, समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए बताए पांच सिद्धांत का, हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड लाइफलाइन। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। विकास की राह पर काम चल रहा है और सरकार विकास के हर काम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूपी के कई गांव आज भी ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर है। इन जगहों पर सरकार की कोशिश नाकाम दिखाई दे रही है। इन गाँवों से विकास की राह में दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही एक हाल आपको दिखा रहे हैं हम कौशाम्बी के कुछ दूर बसे गाँव बिदाव गाँव का, जहां के लोग आज भी ऐसे हालातों में जी रहे हैं जहां पर विकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिदाव गांव में रहने वाले लोगों के लिए घर तक नहीं है, लोग जंगल में छप्पर डालकर रहने को मजबूर हैं। गांव के लोग अपनी परेशानियों का आलम हर जनप्रतिनिधि को बता चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिला और आज भी वो लोग विकास की राह देख रहे हैं। तो कौशाम्बी का बिदाव गांव इस वक्त विकास कार्यों से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग परेशानियों के बीच रहने को मजबूर हैं। ना तो यहां पर लोगों को सरकारी आवास मिले और ना ही प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ इस गाँव को मिल पाया है। सब तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस विषम परिस्थितियों में गाँव के लोग रहने को मजबूर हैं। लोग आज भी छप्परों के मकान में रहने को मजबूर हैं। वहीं बारिश के मौसम में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई मार्ग से यमुना की चपेट में आने वाली औरैया तहसील और अजीतमल तहसील के 24 गांव का दौरा किया, जिसके बाद सीएम योगी ने सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय ककोर पहुंचे। ककोर मुख्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जनपद औरैया और जनपद इटावा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। बता दें कि सीएम योगी ने दौरे के बाद अधिकारियों संग बैठकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं आजमगढ़ में शहीदों को याद करते हुए अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक स्थल पर गुब्बारों के गुच्छों को उड़ाकर किया गया। महोत्सव के अवसर पर मंडलायुक्त और डीआईजी, डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद पार्क में पौधारोपण भी किया। सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देशभक्ति पर आधारित लोक कथाओं का मंचन किया गया। मंडलायुक्त ने बताया कि आधिकारिक रूप से आज आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया गया है। आधिकारिक रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रारंभ कर दिया गया है और साथ ही साथ आज जो आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ी घटना थी जो काकोरी कांड था, उसकी भी आज वर्षगांठ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक प्रदेश भर में हर जगह कार्यक्रम हुए हैं, उसी के क्रम में आज यहाँ पे भी वीर कुंवर सिंह उद्यान में कार्यक्रम हुआ है। तो वीर कुंवर सिंह को भी सबने सुबह पहले श्रद्धांजलि दी है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में सभी शहीदों को याद करना और उनका जो योगदान रहा है आज। सीएम योगी के अखिलेश यादव पर की गई अब्बा जान वाली टिप्पणी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने काफी नाराजगी भी जाहिर की। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। इस बार यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है। मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश जी को अब्बा से नाराजगी है या अब्बा जान से। आगे उन्होंने यह भी बताया कि नेताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहलाने से कोई नाराजगी नहीं थी। तो आप भी सुनिए कि मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है। अखिलेश यादव जी को अब्बा से नाराजगी है या अब्बा जान से, जिनको उन्होंने मंच से उतार दिया था
और उनको मुल्ला मुलायम सिंह कहने से भी नाराजगी नहीं थी, वो तो बहुत खुश होते थे कि उनको मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब दिया गया था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये पता है वो खिताब क्यों मिला था, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ऐसा ना हो कि अब्बा जान की नाराजगी में भाईजान नाराज हो जाए आपसे, तो जब भाईजान नाराज हो जाएंगे तब का। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक आयोजित की गई। किसानों की इस बैठक में कई समस्याओं को लेकर बात हुई। बैठक खत्म होने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने किसानों के साथ ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में हतगाम थानाध्यक्ष के ऊपर चेकिंग के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किए जाने की संबंधित जानकारी भी दी गई। तो फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही किसान उत्पीड़न और कई मुद्दों पर इस चीज को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने किसानों के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में हतगांव थानाध्यक्ष के ऊपर चेकिंग के नाम पर किसानों के उत्पीड़न की बात की जानकारी दी गई है और जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग भी की गई है। वहीं गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने विकासखंड रेवतीपुर में के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उतरौली का भी निरीक्षण किया। उसके बाद ग्रामीणों से बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्रामीणों की परेशानियों को जल्द से जल्द हल किया जाए और ग्रामीणों को राशन भी पहुंचाया जाए। तो ग्रामीणों की परेशानी का इस वक्त समाधान करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। बता दें कि गाजीपुर में इस वक्त बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं, जिसके बाद से ग्रामीणों की परेशानी जानने के लिए डीएम मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही आला अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित किया गया है कि बाढ़ की स्थिति पैदा होने पर किसी भी ग्रामीण को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने लोगों को भी आश्वस्त किया है कि ऐसी स्थिति में हर संभव मदद प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। लखनऊ में रोक के बाद भी बड़े इमामबाड़े के बाहर फिल्म की शूटिंग चल रही है। धार्मिक स्थल होने के चलते फिल्म की शूटिंग करने पर रोक है। फिल्म की शूटिंग को लेकर मौलाना सैफ अब्बास ने विरोध किया है। मौलाना का कहना है कि शूटिंग के साथ कोविड के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर रोक लगाई जा सकती है, तो फिर इस तरीके की फिल्म की शूटिंग पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो लखनऊ में इस वक्त बड़े इमामबाड़े में शूटिंग चल रही है, जिसको लेकर विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मौलाना ने शूटिंग का विरोध किया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से शूटिंग इस वक्त चल रही है, उसमें कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मौलाना सैफ अब्बास ने इस पूरी शूटिंग का विरोध किया है। मौलाना का साफ तौर पर कहना है कि शूटिंग के साथ में कोरोना नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं। जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर रोक प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, तो ऐसे में जरूरी है कि इस तरीके की फिल्म की शूटिंग पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अधिकारियों से बात की जा रही है और लोग दावा कर रहे हैं कि सब बंद हो गई है। जो मुखबिर है वो भी सक्रिय है कि हाँ बंद हो गई है, लेकिन अभी 11 बजे तक शूटिंग बंद नहीं हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया प्रशासन है, जिस तरीके से पूरी रोड को ब्लॉक किए हुए, पब्लिक परेशान हो रही है, चारों तरफ से डाइवर्जन कर रखा है, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अब इनको कुछ नज़र कोरोना नज़र नहीं आ रहा। मैंने आज सारे अखबारों में इस बात को छापा है कि मैंने यही कहा, हुसैनाबाद ट्रस्ट और इसकी इमारतें, चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा हो, ये आज़ादारी रोड है, इसके ऊपर आज़ादारी पे पाबंदी लगाई जा रही है। आप काले परचम लगाने नहीं दे रहे हैं कि जो आज़ादारी रोड है इसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे, और शूटिंग में जो हाल हो रहा है वो आप लोगों के कैमरे में कैद हो चुका है, जहां बहुत बड़ी तादाद। वहीं सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी तट से शिव भक्तों ने हरदी बुजुर्ग शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने 12 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करते हुए शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया। शिव मंदिर की बात करें तो सालों पुराना शिव बाबा का स्थान क्षेत्र के लिए प्रचलित है। आपको बता दें कि जहां पर 2014 में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, क्षेत्र में इस शिव मंदिर पर 10 से 12 किलोमीटर दूर के श्रद्धालु जलाभिषेक देखने को पहुंचते हैं। आपको बता दें कि शिवालयों में बड़े मेले का भी यहां पर आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
तो सिद्धार्थ नगर में इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालय मंदिर में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शिव मंदिर में कई 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और लगातार शिवालय में भगवान शिव के दर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्राचीन शिव मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है, जिसके बाद से भारी संख्या में लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं शहीद दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव पहुंचे। हृदय नारायण दीक्षित ने बद्रका पहुंचकर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चौरा चौरी शताब्दी के अवसर पर प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर बच्चों के अन्न प्राशन का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने देश के शहीदों को नमन किया। तो उन्नाव में विधानसभा अध्यक्ष आज पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि वहां पर शहीदों को नमन किया गया है। शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही चौरा चौरी शताब्दी समारोह को भी आयोजित किया गया। साथ ही बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं सीतापुर में अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन डॉक्टर एसएन सावत द्वारा जनपद सीतापुर के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम पुलिस लाइन सीतापुर में गार्ड की सलामी ली गई, जिसके बाद पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी गणों के साथ आगामी त्योहार और स्वतंत्रता दिवस को लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और दक्षिणी सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। तो सीतापुर पुलिस लाइन में आज गार्ड की सलामी ली गई है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर आज पुलिस लाइन में बैठक भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस को लेकर कानून व्यवस्था के बारे में तमाम जानकारियां ली गई हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और दक्षिण सहित जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं आजमगढ़ में लूट के मामले में जिला कारागार में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन के अनुसार हालत बिगड़ने पर मृत बंदी को वाराणसी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, ताकि उपचार के बावजूद उसे बचने में अगर कोई उम्मीद हो तो उसे बचाया जा सके। वहीं मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक अपराधी प्रवृत्ति का ही था। उसके ऊपर बरदह क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ रंगदारी टैक्स मांगने के साथ ही अन्य कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। तो आजमगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जिला कारागार में एक बंदी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वाराणसी स्थित अस्पताल में तत्काल मृत बंदी को भर्ती कराया गया, ताकि उपचार के बावजूद उसे बचने में अगर कोई भी उम्मीद रह गई हो तो उसे बचाया जा सके। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जेल प्रशासन की मौत की वजह ही है इस वक्त ठहराया जा रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन के जिस तरीके के रवैये थे उन पर साफ तौर पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पूरी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। इसके बाद पुलिस का पूरे मामले पर कहना है कि मृतक अपराधी प्रवृत्ति का ही था, उस पर कई मामलों में केस दर्ज थे। वहीं अब मौत के बाद से पुलिस प्रशासन लगातार सख्ते में बना हुआ है। फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे में रहने वाली वृद्धा पुल से यमुना नदी में कूद गई। बाढ़ के चलते यमुना नदी में उफान देखकर लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, लेकिन कुछ नाविकों ने हिम्मत दिखाई, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नाव लेकर यमुना नदी में पीछे धारा की ओर चल दिए और किसी तरह बहाव में बही जा रही वृद्धा को सकुशल बाहर निकाला गया, जिसके बाद नाव में बिठाकर उसे किनारे पर लाया गया। वृद्धा शांति देवी ने बताया कि 15 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी, इसके बाद से वह मजदूरी करके अपना घर चला रही थी। फिलहाल वृद्धा का इलाज अस्पताल में जारी है।
बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। फतेहपुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साइबर अपराधियों ने कई लोगों के खातों से लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों के पास से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल की मदद से लोगों के बैंक डिटेल्स को निकाला गया और मदद करते हुए लोगों के पैसों को वापस खातों में डलवाया गया। साथ ही साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस आगे भी एक्शन लेने की तैयारी में है। तो फतेहपुर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को ठग अपना शिकार बना लेते हैं और उनके बैंक खातों से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, जिसके बाद से अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। फतेहपुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि लगातार ठगी के मामले सामने आते रहते हैं, ऐसे में पुलिस ने बताया कि साइबर सेल की मदद से लोगों के बैंक डिटेल्स को निकाला जा रहा है और मदद करते हुए लोगों के पैसों को वापस उनके खातों में डलवाया जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार से साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने वाली है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेड एक्शन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर जनपद के तहसील बिंदकी के खुजहा विकास खंड क्षेत्र के बावनी इमली शहीद स्थल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन शामिल हुए। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी राजेश कुमार सिंह समेत चेयरमैन नगर पालिका की मौजूदगी में भव्य समारोह आयोजित किया गया। शहीद स्थल पे वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर बैंड बाजे के साथ राष्ट्रगान गाया गया। तो फतेहपुर में आज शहीद दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि चौरा चौरी के वर्षगांठ के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी के परिजन भी आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनपद के तहसील बिंदकी के खुजहा विकास खंड क्षेत्र के बावनी इमली शहीद स्थल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी राजेश कुमार सिंह समेत चेयरमैन नगर पालिका की मौजूदगी में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर शहीद स्थल में वीर शहीदों को पुष्प चक्र को समर्पित करते हुए बैंड बाजे के साथ राष्ट्रगान को गाया गया। वहीं मैनपुरी के नगर कोतवाली क्षेत्र में दो युवकों को गोली मार दी गई। बता दें कि गोली लगने के बाद आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सफाई के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कराते हुए आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मामूली विवाद में युवकों पर गोली चलाई गई है। तो मैनपुरी से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर मामूली विवाद में युवकों को गोली मार दी गई। फिलहाल अस्पताल तत्काल युवकों को भेजा गया है, जहां पर अस्पताल में युवकों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने बताया है कि मामूली विवाद में युवकों पर गोली चलाई गई है, साथ ही अब संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये मैनपुरी से पूरी खबर सामने आई है, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र में दो युवकों की गोली मार दी गई। आपको बता दें कि गोली लगने की वजह से आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को सफाई के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का मुआयना किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि मामूली विवाद के चलते युवकों पर गोली चलाई गई है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। अभी सायंकाल में यह सूचना हम लोगों को जरिए 112 प्राप्त हुई कि ग्राम संसारपुर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत है, वहां पर आगे की घटना घटी है। मौके पर थाना प्रभारी और मैं स्वयं दोनों लोग पहुंचे हुए थे। वहाँ जाने के पश्चात ये पता चला कि दो अलग अलग समुदाय बिरादरी के लोग रहते हैं, जिसमें एक शाक्य बिरादरी है, दूसरी पाल लोगों के द्वारा जो बकरियों का पालन किया जाता है, उसमें संभवतः एक दो दिन पहले
इनकी कुछ बकरियां साठ के लोगों के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर के पहले थोड़ा बहुत कुछ विवाद हुआ था, जिसमें गांव के स्तर पर ही समझौता कर लिया गया था। उसी विवाद को लेकर के आज संभवतः जब पाल के कुछ बच्चे उधर से निकल रहे थे, तभी शक के लोगों के द्वारा उन पर कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, इसी आधार पर इनसे तहरीर प्राप्त होते ही। वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। धान के खेत में दो शवों को बाहर निकाला गया है, वहीं शव को देखने के बाद उनकी पहचान की गई और परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो प्रतापगढ़ से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में डबल मर्डर देखने को मिला। आपको बता दें कि डबल मर्डर की वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले का मुआयना कर रही है और संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। संभल के गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक जुनावई में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर भाजपा गद्दी छोड़ो पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें भाजपा के शासनकाल में लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, काले कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रदेश महासचिव माननीय फूल कुंवर ने कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो पदयात्रा की गई थी और जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में भाजपा का विरोध करना भी जरूरी हो चुका है। तो संभल में आज भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर लगातार भाजपा का विरोध किया गया और पदयात्रा को निकाला गया। आपको बता दें कि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है, ऐसे में भाजपा गद्दी छोड़ो का आंदोलन करना जरूरी हो चुका है। वहीं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आजादी का अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर डीएम विक्रम सिंह और एसपीएस आनंद सहित अन्य अधिकारियों ने मिलकर शहर के मुख्य मार्गों पर मार्च निकाला। इस मौके पर अधिकारियों के साथ इलाके के कई लोग भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में वाल्मीकि युवा शक्ति समिति अध्यक्ष प्रदीप कुमार सहित कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि युवा शक्ति समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा ये पूरी ज्ञापन निकाला गया है, जहां पर 1 अगस्त को दिल्ली कैंट क्षेत्र के नागला नामक इलाके में अबोध बच्ची के साथ शमशान की भूमि पर चार चार हैवानों के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। तो अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर शहीदों को याद करते हुए अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नगर पालिका परिसर में शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई, जिसके बाद प्रभात फेरी निकालकर लोगों को शहीदों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी प्रभात रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही जिले में जो भी शहीद है और जहां जहां उनकी प्रतिमाएं लगी है, उन पर आपको बता दें कि चार्ट बनाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और इसी बीच अगली खबर औरैया से सामने आई, जहां औरैया में बिजली की पाइपलाइन टूटकर गिरने से बड़ा हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला अस्पताल के पास लाइन टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि इस पूरे मामले में नहीं हुई। कहा जा रहा है कि बिजली की हाई टेंशन लाइन गिर जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई, वहीं लोगों ने भाग कर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई। सदर कोतवाली क्षेत्र के 50 सया जिला अस्पताल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
वहीं सिद्धार्थनगर के अति महत्वपूर्ण विधानसभा डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान लतीफ ने आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। अपने समर्थकों के साथ मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान लतीफ ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि डुमरियागंज में अभी तक सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है, सड़कों का शिलान्यास हुआ है लेकिन विकास के नाम पर एक ढेला भी नहीं रखा गया। हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे और नफरत की राजनीति खत्म करके मोहब्बत और विकास की राजनीति करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से बात अगर डुमरियागंज की जाए तो डुमरियागंज के अंदर नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश की गई है। हर मुद्दे को धर्म की राजनीति से जोड़ के देखने की कोशिश की गई है। आम आदमी पार्टी अगर आज डुमरियागंज में सक्रिय हो रही है, आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिलता है तो आम आदमी पार्टी डुमरियागंज को नफरत के रास्ते से। वहीं संभल में महेश नाम का युवक जो कि लोहिया कॉलोनी बबराला थाना गुन्नौर का निवासी बताया जा रहा है, वो खरीदारी करने बबराने मार्केट गया था जहां महेश बाइक रोककर किसी से बात कर रहा था। तभी अचानक कुछ लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर उस पर हमला बोल दिया। जब मौके पर कुछ लोग पीड़ित युवक को बचाने पहुंचे तो हमलावर गाली गलौज करते हुए मौके से भाग निकले। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। हमलावरों की पहचान फिलहाल की जा चुकी है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो संभल से पूरा मामला सामने आया है जहां पर मारपीट की वारदात देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक युवक बाइक से कहीं जा रहा था जिसके बाद हथियारों से लैस हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी प्रकार से युवक की जान बचाई है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली गुन्नौर जनपद संभल का ये पूरा मामला है जहां पर हमलावरों की एक काली करतूत देखने को मिली है। वहीं पूरा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई जिसमें हमलावर साफ तौर पर युवक पर लाठी डंडों से हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं बुलंदशहर में व्यापारी सुरक्षा फोरम के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग को संशोधित कर नई व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग से छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा है जिसकी वजह से व्यापारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान का सामना भी इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही लॉकडाउन में व्यापारियों को बहुत ज्यादा तंगी झेलनी पड़ी है और अब इस ऑनलाइन शॉपिंग ने बची हुई कसर पूरी की है। ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। रायबरेली में कांग्रेसियों ने भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च निकाला। आपको बता दें कि बैलगाड़ी पर सवार होकर कांग्रेसियों ने भवन से तहसील परिसर तक का मार्च निकाला। महंगाई, बढ़ते तेल की कीमतों और भ्रष्टाचार, किसान बिल के मुद्दों को लेकर कांग्रेस महिला विंग सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सरकार सिर्फ आम जनता को परेशान करने का ही काम कर रही है। तो रायबरेली में आज कांग्रेसियों ने भाजपा गद्दी छोड़ो का मार्च निकाला है। आज के शासन में हमारा किसान परेशान है, हमारा युवा परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और भी तमाम समस्याएं, महंगाई का मुद्दा है, तमाम इन समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक इन तरह की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस के लोग पूरे विधानसभा स्तर पर पैदल मार्च कर रहे हैं। मोदी जी, बीजेपी जी, गद्दी छोड़िए, क्योंकि आप जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको चुना था। जब से आपने देखा होगा ये मोदी जी की सरकार आई है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। आपने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, दलित परेशान है, महिला परेशान, युवा परेशान है, किसान परेशान है। आप जनता के लिए आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। और मैं योगी जी की बात करती हूँ,
महिला सुरक्षा की बात करने योगी जी, जिनके खुद की बेटी नहीं है वो महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे। महिलाओं की बात करते थे बेटी बचाओ बेटी, अभी हाल ही में आपने देखा 9 साल की दलित बेटी के साथ रेप होता है, उसे जला दिया जाता है। जब से उत्तर प्रदेश इन दिनों पानी के कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है, आलम यह है कि कई सड़कों का संपर्क मार्ग टूट चुका है, सड़कें नदियां बन चुकी हैं। आफत की इस बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर लोगों के लिए इस वक्त नासूर बन रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब सेना का सहारा लिया जा रहा है। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश इन दिनों आफत की बारिश की मार झेल रहा है। आलम यह है कि बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई गांव पानी से लबालब भर चुके हैं। समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या ये वही गांव है जहाँ कभी सड़कें दिखाई दिया करती थी, क्योंकि अब जहां नजर घुमाई जाए वहां पानी ही पानी नजर आता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के 15 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। 257 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि जिस रफ्तार से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उससे नदियों के किनारे बसे गांवों पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। सरकार के निर्देश पर लगातार प्रशासन जलमग्न गांवों का जायजा ले रहा है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही तत्काल राहत उपलब्ध कराने के इंतजाम भी कर रहा है। लेकिन आफत की इस बारिश के आगे हर कोई नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। बांदा में केन व यमुना नदी के उफनाने से पैलानी तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिर गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा का जलस्तर रविवार शाम खतरे का निशान पार कर गया। जलस्तर बढ़ते ही तटवर्ती इलाकों में हालात गंभीर हो गए। वाराणसी में अभी गंगा खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन रविवार को गंगा के बढ़ने की रफ्तार प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर थी, लिहाजा 22 सेंटीमीटर पानी बढ़ा था। बाढ़ से बदतर हो रहे हालातों पर लगातार सरकार संज्ञान ले रही है। सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि हर जगह बचाव कार्य चलाया जाए, साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी बांटने के निर्देश दिए गए हैं। देखना ये होगा कि आफत की इस बारिश से लोगों को कब तक राहत मिलती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।